अगर मैं आपसे कहूं कि गेम में अब ऐसा नया करेक्टर आने वाला है जिसके बाद आप लोग डीजे आलोक को यूज करना ही बंद कर दोगे, मतलब टाडा बाय बाय डीजे आलोक, एंड क्रोनो का यूज होना तो बिल्कुल बंद हो जाएगा क्योंकि उस करेक्टर की एबिलिटी ऐसी होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में सब बताऊंगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना गाइस। और स्पिन में कभी भी इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा ना कि जो नया अगर स्किन आने वाला अगर उसके स्पिन में तुम लोग गलती करोगे तो तुम लोग बहुत भुगतने वाले हो। एंड सभी लोग जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर चला रखा था तो यार डायमंड का टॉपअप करना तुमको कम करना पड़ेगा तभी वो यूज करेगा जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर। एंड इस बार जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर चला था भाई ट्रेंड में, तो गरीना वालों ने इतने नए नए इवेंट्स दे रहे हैं भाई फ्री में, फोर्थ एनिवर्सरी आने वाली है उस पर इतने सारे नए वाले इवेंट दे रहे। तो गाइस इस वीडियो में मैं तुमको सारे इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सी नई स्किन आने वाली, किसी यूट्यूबर ने तुमको उन गन स्किन के बारे में नहीं बताया होगा, और जो फ्री में तुमको चीज़ें मिलने वाली हैं वो यूट्यूबर्स ने कवर नहीं की होंगी। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होगा कि गेम में उजी का स्किन आने वाला है जो एक लेजेंडरी स्किन है, और मेरे को वो स्किन देख के हंसी आना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। यूजी का स्किन लेजेंडरी स्किन दे दिया, तो लॉबी में आके तुम उसको हाथ में भी पकड़ सकते हो। यूजी का स्किन छोटा सा स्किन भाई, उसको देख के इतनी हंसी आ रही है ना, लॉबी में पकड़ सकते हो, लेजेंडरी स्किन है तो लेजेंडरी को तो लॉबी में पकड़ सकते हो, वो छोटा सा हाथ में दिख रहा है ठीक है। और उसकी थीम पे गाइस बहुत सारे वाली स्किन आ रही है, मेरे को नहीं पता ये कौन सी थीम है लेकिन ये येलो कलर की कोई थीम है। और गाइस अभी ना तुमको पता होगा कि थोड़े दिन बाद अभी थॉमसन का स्किन आने वाला है, जो थॉमसन का स्किन एक पहले भी ऐसा एबिलिटी का स्किन आया था, अगर तुम्हारे पास में वो स्किन पहले से है तो प्लीज़ ये स्किन तुम लोग मत निकालना, बिकॉज हमको कलेक्शन वलेक्शन सब दूर रहना क्योंकि जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर। एंड उसका एट्रीब्यूट्स यही है जो पहली वाली स्किन था, टाइम लैप्स वाला एक स्किन आया था जो येलो कलर का था, उसका एट्रीब्यूट्स भी ये था, उसमें डबल डैमेज था और सिंगल डैमेज था, और इसका एट्रीब्यूट भी गाइस सेम ही है ठीक है, इसमें मैगजीन माइनस है उसमें रीलोड स्पीड माइनस थी, तो समथिंग सेम। अगर तुम्हारे पास में वो स्किन है तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये स्किन तुम लोग मत निकालना। एंड बहुत सारे लोग अभी कह रहे थे कि एक्समेट का स्किन का ईवो स्किन आने वाली है ठीक है, तो गाइस कंफर्म हो गई ईवो स्किन आने वाली है, शायद तो कल आ जाए या आज ही आया 4 बजे के समथिंग, ऐसा कुछ कंफर्म कह नहीं सकते, गरीना वालों को कुछ नहीं पता है, कभी मसाला दे देते हैं। उस स्किन का भी एट्रीब्यूट्स मैं तुमको बता देता हूँ, सिंगल फायर है, डबल डैमेज है और उसका रीलोड स्पीड माइनस है ठीक है। तो मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें रीलोड स्पीड माइनस है ठीक है, तो तुमको ना एक फ्री में स्किन मिला होगा, वो जो थीम स्किन मिला था तुमको जिसमें डबल रेट ऑफ फायर था गाइस, जो भी बंदे पहले खेलते होंगे 5-6 महीने पहले, तब एक स्किन मिला था एक्समेट का फ्री में, थीम का मैं नाम भूल रहा हूँ, आप कमेंट करके बता देना सभी लोग। तो गाइस उसमें डबल रेट ऑफ फायर था और एक मैगजीन माइनस थी ठीक है। तो यार मैं तुमको एक बता देता हूँ, एक डैमेज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम स्किन थी। अगर तुम्हारे पास में वो स्किन है तो तुम लोग प्लीज़ ये नहीं निकालना क्योंकि इसमें तुम्हारे 1000 या 1200 डायमंड तो जाने वाला है, इतना तो मेरे को कंफर्म हो गया है, क्योंकि कभी भी ऐसा स्पिन वाला इवेंट आता है जिसमें गन स्किन देते हैं तो ये कंफर्म होता है कि इसमें तुम्हारे 1000-1200 डायमंड जाने वाले हैं। एंड वैसे कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम्हारे पास में वो स्किन है, अगर तुम्हारे पास में बजट है तुम खुद पैसे कमा सकते हो, स्किन निकाल सकते हो। एंड तुम्हारे लिए ये न्यूज़ सुनने में आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि MP40 का स्किन आ रहा है, पोकर MP40 का इन्होंने कॉपी करके दे दिया, तो गाइस पोकर MP40 का इन्होंने कॉपी करके नहीं दिया है, ये स्किन पहले गरीना ने लॉन्च किया था 2020 में, बट उन्होंने लॉन्च करना भूल गया था, जस्ट इन्होंने बना के रख लिया पोकर MP40 से पहले, लेकिन उसकी थीम पे इन्होंने पोकर MP40 इंक्यूबेटर में दी थी तुमको ठीक है। तो ये स्किन का एट्रीब्यूट अभी तो देखो कंफर्म तो किसी को भी नहीं है, सब अपनी ऐसे तुक्काबाजी लगा रहे हैं, मैं तुमको क्लियरली बताया तो ये बात कि इसका एट्रीब्यूट जैसे तुम्हारे बनी MP40 है ना, बनी MP40 का सेम एट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब एक डैमेज, डबल रेंज और माइनस लोड स्पीड ठीक है, क्योंकि ऐसा भी एट्रीब्यूट किसी भी स्किन का नहीं आया, तो बनी को टक्कर दे देगा तो भाई साहब सभी निकाल लेंगे। और गाइस रेट ऑफ फायर वाला स्किन तो बहुत 2 बार आ चुका है, पोकर MP40 आ चुका है, कोबरा MP40 आ चुका है, तो मेरे को तो यहाँ 90% चांस लग रहा है कि रेट ऑफ फायर वाला स्किन के एट्रीब्यूट्स अभी नहीं डालेंगे। अगर गाइस ये ऐसा एट्रीब्यूट डालते कि डबल रेट ऑफ फायर और एक डैमेज, तो भाई साहब सभी बंदे ले लेंगे, फिर तो सबको लेनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि वो MP40 इतनी जहर हो जाएगी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। डबल रेट ऑफ फायर का यार तुम लोग सोच सकते हो कितना जहर हो जाएगा। गाइस एक गोल्ड रॉयल में बंडल कंफर्म हो गया, वो बंडल मेरे को भी इतना लेजेंडरी लगाना यार, मतलब उसके हाथ पे ना एक थीम सी है, लेजेंडरी थीम गाइस, वो चमकती है ठीक है। अब गोल्ड रॉयल में ऐसा ऐसा बंडल दे रहे हैं तो यार उसके बाद ये जो फ्री में तुमको थीम दे रहे हैं ना सारी गाइस, मेरे को लग रहा है जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर के बाद ही हो सका है, हमने जो ट्रेंड चलाया था वो। एंड गाइस आपको मैं एक खुशखबरी बता देता हूँ सिंपली, जो हमारा एक फिस्ट का स्किन मैं तुमको दिखा देता हूँ, फिस्ट का स्किन जो है गाइस वो बिल्कुल हमको फ्री में मिल रहा है, और इस फिस्ट की स्किन की खासियत ये है, एक तो फ्री में मिल रहा है, और देखो अभी तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अब क्या रेयर रह जाएगा सबको मिल गया, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं होती है, सबको मिलता है तो सब खुश रहना चाहिए ठीक है। देखो गाइस ये रेनबो वाला स्किन है, इसमें मतलब इसमें 7 कलर है समथिंग, जहाँ तक मेरे को लगता है इसमें 7 या 4 कलर है, और एक साथ चमकते रहता है ये फिस्ट की स्किन में, तो ये किसी भी कॉस्ट्यूम पर चल जाएंगे। एंड ये मेरे को देख के इतना मस्त लगा ना भाई साहब, और ये 90% चांस है गाइस हमको
फ्री में मिल जाए, मतलब बिल्कुल फ्री में ये मिलने के चांस है हमको फिस्ट स्किन। मतलब गरीना वाले वाले कितने मेहरबान हो रहे हैं भाई, फिस्ट की स्किन भी हमको फ्री में दे रहे जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर के बाद। एंड गाइस ये फिस्ट की स्किन तुमको फोर्थ एनिवर्सरी पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो अभी है, ठीक है, अभी होने वाली है फोर्थ एनिवर्सरी, तो अभी थोड़े दिन बाद तुमको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइस अभी ना थॉमसन की स्किन भी निकल के आ रही है जो थीम स्किन है, और वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी तुमको फ्री में मिल सकती है किसी इवेंट में। तो गाइस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थॉमसन की स्किन जो तुमको स्पिन में दे रहे हैं वो बिल्कुल भी तुम लोग मत निकालना। थॉमसन की स्किन थीम स्किन फ्री में भी एक स्किन मिल रही है, उसमें शायद एक डैमेज और एक रेंज प्लस है, बाकी थीम स्किन में इससे ज़्यादा क्या लोगे तुमको, और वो भी ये काम करेगी जो अभी स्पिन में स्किन देंगे ना बाद वाली स्किन ये काम करेगी। तो गाइस थोड़ा सबर कर लिया करो, एकदम से स्पिन एंड डायमंड खर्च मत किया करो अपने आप पे। एंड गाइस जो लास्ट वाला जो मेन 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 टॉपिक है ना, जो लास्ट वाली न्यूज़ निकल के आ रही है वो है करेक्टर के ऊपर। जो एक करेक्टर निकल के आ रहा है गाइस, उसकी मैं तुमको एबिलिटी बताया था, उसकी एबिलिटी इतनी जहर है ना। एक तो तुम्हारी वो 20% जो स्पीड होती है गाइस, देखो गाइस वो एक्टिव करेक्टर स्किल है, ठीक है, उसकी अगर आलोक की तरह है, बिल्कुल सेम आलोक की तरह है, अगर तुम उसकी स्किल को एक्टिव करोगे तो वो तुमको 20% तुम्हारी स्पीड बढ़ा देगा गाइस, और तुमको 5 सेकेंड में 40 HP देगा, मतलब 5 सेकेंड 40 HP, लेकिन 5 सेकंड में तुमको 40 HP देगा। और ये देखने वाली बात है कि उस करेक्टर की एक्टिव स्किल का टाइम कितना होगा, अगर देखो 10 सेकंड होगा तो वो तुमको 80 HP दे देगा, अगर 5 सेकंड होगा तो गाइस वो तुमको सिर्फ 40 HP दे पाएगा, लेकिन 20% ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी भाई साहब। सो सकते हो तुम लोग, वो आलोक को पूरी टक्कर देगा, टक्कर क्या देगा यार, आलोक को लेने छोड़ देंगे। और उस करेक्टर का लुक भी आलोक से बहुत तगड़ा है, मतलब उसकी बॉडी है ना, रिच बॉडी तुमने देखी है एकदम, उसको कपड़े वपड़े नहीं पहने रहता वो नंगा, तो बिल्कुल सेम उसका वैसे ही करने वाला, बिल्कुल सेम उसका है रिच बॉडी जैसा, और वो बहुत ही ऑसम करेक्टर लगता है, उसको कपड़े भी ना पहनाओ फिर भी इतना ऑसम लगता है। तो मेरे को लगता है सभी लोग वो करेक्टर लेके खेलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाला ज़बरदस्त है। एंड गाइस तुम लोगों से मेरे को ना एक बात पूछनी थी यार, मैं ऐसे ही एज अ न्यूज़ इवेंट्स की न्यू अपडेट्स जो आ रहे हैं, क्या मैं वो कवर करूं? मतलब ये तो मैंने शायद पहला वीडियो बनाया था, लेकिन तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके सभी लोग बताना कि हाँ मैं आगे से भी ऐसा इवेंट्स की वीडियोस लाऊं, तो यार कमेंट कर देना सभी लोग। और तुम लोग बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में, यार तुमको क्या परेशानी है ये बताओ पहले तो मेरे को, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सभी लोग एक साथ सब्सक्राइब करके और जो ऊपर लाइक का बटन है ना वो भी दबा देना। एंड बहुत सारे लोग तो कमेंट ही करना भूल जाते हैं, और मेरा चैनल गाइस मेरा चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो सभी लोग जो भी जिसने वीडियो लास्ट तक देखी प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना, सभी लोग एक साथ वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, तो थोड़ी मेरे को हेल्प मिल जाएगी। मिलता है किसी वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, सलाम से कल, नमस्ते गाइस, बाय 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 बाय। You'll be a fan when I start rapping way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick boom, you blow me that head missing.